Good morning, students. Today we will start exercise 9.5 of chapter 9, algebraic expressions and identities. So, हमारे exercise 9.5 का first question है, use a suitable identity to get each of the following products. Question first में हमें क्या करना है? Identity का use करते हुए products find करने. First हमें given है x plus 3 into x plus 3. So, x plus 3 into x plus 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. हमने पढ़ा था जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, दोनों के ऊपर पावर क्या है 1 1. तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, तो क्या आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख दिया हमने उसको. और चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज पढ़ी थी कुछ, उसमें से हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. सो ये हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है. ए क्या है इसमें x और b क्या है 3. ना इसको ओपन करेंगे इस फॉर्म में तो a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है x और b क्या है 3 प्लस b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर. ना सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 2 3 का कितना होता है 6, 6 को इंटू कर 6x प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9. तो क्या आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. सेकेंड है 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5. तो हम इसको अगेन क्या लिख सकते हैं 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं. बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी. नाउ ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन गई a प्लस b का होल स्क्वायर, जो क्या होती है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर. यहाँ पर हमारा a क्या है 2y और b क्या है 5. सो a का स्क्वायर मीन्स 2y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है 2y, b है 5 और प्लस b का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 2 जब 4 4 5 जब 20 तो क्या आ जाएगा 20y प्लस 5 का स्क्वायर 25. 5 का स्क्वायर क्या होता है 25. 5 5 से 25 तो क्या आया हमारे पास 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25. थर्ड है 2a माइनस 7 इंटू 2a माइनस 7. हम इसको क्या लिख सकते हैं 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर. नाउ ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन रही है a माइनस b का होल स्क्वायर. सेकेंड आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने a माइनस b का होल स्क्वायर. एक तो होती है a प्लस b का होल स्क्वायर और एक होती है a माइनस b का होल स्क्वायर. तो ये कैसे ओपन होती है ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. सो दोनों आइडेंटिटीज में एक स्मॉल चेंज होता है. ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो सारी जो टर्म्स होती है वो प्लस की होती है और जब हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं तो माइनस ना लग जाता है माइनस 2 इंटू ए इंटू बी. ना इसको ओपन करेंगे यहाँ पर ए है हमारा 2a और b क्या है 7. ना इसको इस तरह इस फॉर्म में ओपन करेंगे तो स्क्वायर मीन्स 2a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है 2a और b क्या है 7 प्लस b का स्क्वायर मीन 7 का स्क्वायर. सो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 2 सा 4 और 4 7 सा 28. 28 इंटू a 28a प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 सा 49. तो हमारे पास आ गया 4a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 49. नाउ सिक्स्थ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो देखो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन सकती है. इसको देखो पहले मैं बी स्क्वायर को आगे ला रही हूँ तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम बी स्क्वायर को आगे लिया है फिर यहाँ पर भी बी स्क्वायर को हम आगे लिया है माइनस ए स्क्वायर. नाउ ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई. एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी थर्ड ए प्लस बी ए माइनस बी कैसे ओपन होती थी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर. सो यहाँ पर देखो माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के. सो इनके पास ऑलरेडी स्क्वायर है तो इनके ऊपर क्या जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा. सो बी का स्क्वायर माइनस माइनस ए का स्क्वायर तो बी के पावर 4 माइनस ए की पावर 4 क्या आ गया बी के पावर 4 माइनस ए की पावर 4. सेवेंथ है 6x माइनस 7 इंटू 6x प्लस 7. तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी
a minus b, which is equals to a square minus b square. So a क्या है इसमें 6x, तो 6x का square minus b क्या है 7, तो 7 का square. तो 6 का square कितना होता है 36, और x का square x square minus 7 का square कितना होता है 7 7's are 49, तो 49, तो कितना आया 36x square minus 49. Now क्वेश्चन फर्स्ट के जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं वो आप खुद से सॉल्व करेंगे और वो आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे. लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. यूज द आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट. क्वेश्चन सेकेंड में हमें एक आइडेंटिटी दे रखी है, इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है. फर्स्ट हमें गिवन है x प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन. सो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए. नाउ सो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये किस फॉर्म में x प्लस ए एक्स प्लस बी में, इसको किस फॉर्म में ओपन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी में. ए क्या है हमारे पास 3 और बी क्या है 7. सो x का स्क्वायर प्लस ए है 3 प्लस बी है 7x प्लस ए इंटू बी मीन 3 इंटू 7. तो 3 इंटू 7 x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 कितना होता है 10. तो 10x प्लस 27 कितना आया x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 27. सेकेंड है 4x प्लस 5 इंटू 4x प्लस 1. सो इसको सॉल्व करना है एक क्या किस में ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी में. तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है 4x का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मीन्स 5 प्लस 1x. x क्या है यहाँ पर इंटू 4x प्लस ए इंटू बी मीन्स 5 इंटू 1. सो 5 इंटू 1 4 का स्क्वायर कितना होता है 16. एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 कितना हुआ 6 और 6 को इंटू करा 4 से 24x प्लस 5 बनता 5. तो कितना 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5. थर्ड है 4x माइनस 5 इंटू 4x माइनस 1. सो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी ओपन करेंगे. सो एक्स स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी. तो ए क्या है यहाँ पर माइनस 5 और बी क्या है माइनस 1. एक्स क्या है 4x प्लस ए बी. ए बी क्या है यहाँ पर माइनस 5 इंटू माइनस 1. तो क्या आ जाएगा 5. नाउ 4 का स्क्वायर क्या होता है 16. एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 1 कितना हुआ माइनस का माइनस माइनस क्या होता है प्लस. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 6 इंटू 4x प्लस 5. इसको सॉल्व करेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 6 इंटू करा 4x है तो कितना आएगा माइनस का 24x प्लस 5. तो कितना आ गया हमारे पास 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5. नाउ क्वेश्चन सेकंड के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन वो आप खुद से ट्राई करेंगे और वो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटी. क्या फाइंड करने हैं स्क्वायर्स फाइंड करने हैं आइडेंटिटीज का यूज करते हुए. फर्स्ट हमें गिवन है बी माइनस सेवन का होल स्क्वायर. तो बी माइनस सेवन का होल स्क्वायर मीन्स हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन होती थी ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर. तो इसको ओपन कर देंगे सो बी का स्क्वायर माइनस टू इंटू b इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर. सो कितना आएगा b स्क्वायर माइनस 14 b प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49. हमारे पास आंसर कितना आया b स्क्वायर माइनस 14 b प्लस 49. सेकेंड है एक्स वाई प्लस थ्री जेड का होल स्क्वायर. सो अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर. ए क्या है यहाँ पर एक्स वाई तो एक्स वाई का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए क्या है एक्स वाई और बी क्या है थ्री जेड प्लस बी क्या है थ्री जेड का स्क्वायर.
ना एक्स वाई का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर अलग कर सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू थ्री का कितना होता है सिक्स, तो सिक्स एक्स वाई जेड प्लस थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन और जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई जेड प्लस नाइन जेड स्क्वायर। नाउ फोर्थ है टू एम डिवाइडेड थ्री प्लस थ्री डिवाइडेड टू का होल स्क्वायर, क्या है होल स्क्वायर। सो पॉइंट से आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। सो ए क्या है यहाँ पर हमारे पास टू एम डिवाइडेड थ्री और बी क्या है थ्री एम डिवाइडेड टू। सो ए की जगह रखेंगे टू एम डिवाइडेड थ्री का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए क्या है टू एम डिवाइडेड थ्री और बी है थ्री एम डिवाइडेड टू प्लस बी का स्क्वायर मीन थ्री एम डिवाइडेड टू का स्क्वायर। टू का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास फोर, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड थ्री का स्क्वायर क्या हुआ नाइन प्लस। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो टू से टू कैंसिल हो सकता है, टू से टू कैंसिल क्या बचा हमारे पास और यहाँ से थ्री कैंसिल क्या बचा टू एम एन, तो टू एम एन प्लस थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन, एन का स्क्वायर एन स्क्वायर और टू का स्क्वायर फोर, तो क्या आया फोर एम स्क्वायर डिवाइडेड नाइन प्लस टू एम एन प्लस नाइन एन स्क्वायर डिवाइडेड फोर। नाउ क्वेश्चन थ्री के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे और आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ सिंप्लीफाई। फर्स्ट हमें ये मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रही है ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। सो देखो ए क्या है हमारे पास यहाँ पर ए स्क्वायर है और बी क्या है बी स्क्वायर है, सो इसको इस फॉर्म में रखेंगे ए का स्क्वायर मीन्स क्या आएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए, तो ए क्या है ए स्क्वायर क्या है बी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मीन बी स्क्वायर का स्क्वायर। नाउ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ए की पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर फोर, क्या आ गया ए की पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर फोर। सेकेंड है टू एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर। सो देखो ये टू एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये कौन सी आइडेंटिटी बनती है टू एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। सो इसको ओपन करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से और इसको ओपन करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। सो देखो ए क्या है यहाँ पर टू एक्स और बी क्या है फाइव, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। सो सबसे पहले ओपन करेंगे टू एक्स प्लस फाइव के होल स्क्वायर को, ए क्या है यहाँ पर टू एक्स तो मीन्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए क्या है टू एक्स बी है फाइव बी का स्क्वायर मीन्स फाइव का स्क्वायर, बीच में क्या चल रहा है माइनस चल रहा है ना, इसको ओपन करेंगे टू एक्स माइनस फाइव के होल स्क्वायर को, सो टू एक्स का स्क्वायर माइनस टू इंटू टू एक्स बी है फाइव और प्लस फाइव का स्क्वायर। नाउ सॉल्व करेंगे टू एक्स का स्क्वायर कितना आएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव टू ज़ा टेन एंड टू एंड टू ज़ा ट्वेंटी, तो ट्वेंटी एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस चल रहा है बीच में फोर एक्स स्क्वायर आ गया ये हमारे पास माइनस का कितना आ गया ये हमारे पास टू टू ज़ा फोर और फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी, तो कितना आ जाएगा माइनस का ट्वेंटी एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव। नाउ सॉल्व करेंगे फोर एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव ये है माइनस का, तो माइनस का फोर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस का ट्वेंटी एक्स प्लस माइनस हो गया माइनस का ट्वेंटी फाइव। देखो यहाँ पर फोर एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस का फोर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे अपोजिट साइंस है, इसी तरह से प्लस ट्वेंटी फाइव और माइनस ट्वेंटी फाइव दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास प्लस ट्वेंटी एक्स एंड प्लस ट्वेंटी एक्स जो कि कितना होता है फोर्टी एक्स, तो आंसर कितना आया फोर्टी एक्स।
क्वेश्चन फोर्थ के जो सेकंड पार्ट में हमारे पास दोनों आइडेंटिटी एक साथ चली है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नाउ सिक्स है, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी स्क्वायर सी। सो ये क्या है हमारे पास, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी। सो ये आइडेंटिटी से ओपन होगा, ए क्या है इसमें हमारा ए बी है और बी क्या है हमारा बी सी है। तो ओपन करते हैं, सो ए बी का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए क्या है ए बी और बी क्या है बी सी प्लस बी का स्क्वायर मीन्स बी सी का स्क्वायर। हमारा लास्ट में क्या होगा, माइनस टू ए बी स्क्वायर सी। ओपन करेंगे, ए बी का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी इंटू बी सी। तो क्या आ जाएगा, टू ए बी कितने हैं दो, तो बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी स्क्वायर सी। यहाँ पर है प्लस टू ए बी स्क्वायर सी और यहाँ पर है माइनस टू ए बी स्क्वायर सी, तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, अपोजिट साइन है। क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सेवेंथ है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर प्लस टू एम क्यूब एम। सो देखो ये हमारा क्या बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो कैसे ओपन होगा, ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इसमें ओपन होगा। तो यहाँ पर हमारा ए क्या है, देखो ए है हमारा एम स्क्वायर और बी क्या है हमारा एन स्क्वायर एम, बी है हमारे पास एन स्क्वायर एम। तो देखो ए का स्क्वायर मीन्स एम का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए क्या है हमारे पास एम स्क्वायर और बी क्या है हमारे पास एन स्क्वायर एम प्लस बी क्या है हमारे पास एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर और लास्ट में क्या चल रहा है, प्लस टू एम क्यूब एन स्क्वायर। ये तो हमने आइडेंटिटी से ओपन करा है और लास्ट में हमारा चल रहा था प्लस टू एम क्यूब एन स्क्वायर। नाउ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एम की पावर फोर माइनस एम स्क्वायर एम, तो ये हो गया एम क्यूब और टू भी मल्टीप्लाई में से टू इंटू एम क्यूब इंटू एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एम, तो ये हो जाएगा हमारे पास एम की पावर फोर एम स्क्वायर प्लस टू एम क्यूब एन स्क्वायर हमारा चल ही रहा है। यहाँ पर हमारे पास टू एम क्यूब एन स्क्वायर इसमें और यहाँ पर है टू एम क्यूब एन स्क्वायर प्लस में, तो कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन सेम वैल्यूज। क्या बचा, एम की पावर फोर माइनस प्लस एम स्क्वायर एन की पावर फोर। नाउ क्वेश्चन फोर्थ के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपको खुद से ट्राई करेंगे, आपको वो पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। फिर भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप मैसेज पे पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।